हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का अचार। आंवले का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है आधा किलो आंवला, सर्विस स्पून भर के सरसों का तेल, राई या सरसों में आप एक चीज़ कोई यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है। यहाँ पर मैंने दो दो चम्मच ये लिया हुआ है। एक बड़ी चम्मच भर मैंने धनिया ली है, हल्दी मिर्च नमक, हल्दी है एक चम्मच, डेढ़ चम्मच पिसी हुई मिर्च और चार चम्मच नमक। तो धनिया को हल्का सा पहले हम भून लेंगे। धनिया हल्की भूरी हो गई है, भून गई है। धनिया को हम बारीक पीस लेंगे। सरसों या राई जिसका भी हम प्रयोग करेंगे उसे भी हम पीस लेंगे। यहाँ पर मैं सरसों का प्रयोग करने जा रही हूँ इसलिए मैं सरसों को भी पीस लूँगी और इस धनिया को, भुनी हुई धनिया को पीस लूँगी। जब तक मैं इसे पीसूंगी, आंवलों को हल्का सा मुलायम करने के लिए हम इन्हें थोड़े से पानी में पका लेंगे। इन्हें कुकर में नहीं पकाइएगा, कुकर में पकाने से आंवले कभी कभी ज़्यादा गल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम भगोने में पकाएंगे। भगोने में पकाने में मैं देखती रहूंगी, जैसे ये मुलायम पड़ जाएंगे बस उतना ही हमको पकाना है कि इसके पीसेस अलग हो सके। आधे गिलास से भी कम पानी हम इसमें डालेंगे और इसमें आंवले डाल के धीमी आँच में हम इन्हें पकाएंगे। चाकू आराम से चला गया है, आंवले मेरे मुलायम हो चुके हैं। आंवले मुलायम हो चुके हैं, हम इनके बीज बाहर कर देंगे। आंवले की गुठलियां मैंने बाहर कर दी हैं। कढ़ाही गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे एक सर्विस स्पून भर सरसों का तेल। तेल हल्का सा गर्म हो जाए, गैस को ऑफ करेंगे। इसमें मैं डालूंगी हल्दी, मिर्च, भून कर पीसी हुई धनिया और ये आंवले इसी में पलट देंगे। ध्यान रहे गैस बराबर बंद रहेगी, आंच को नहीं जलाना है। और इसी में हम डाल देंगे नमक, चार चम्मच नमक है ये। ये सरसों को मैंने पीस लिया है, सरसों को भूनना नहीं होता है, इसे ऐसे ही बिना भूने पीस लेते हैं। तैयार हो गया हमारा आंवले का अचार। मिर्च और अब नमक आप अपने स्वादानुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस आंवले को अचार को बनाने में 10 मिनट का समय लगता है करीब करीब। आइए बनाते हैं और खाते हैं। अगर आपको मेरा अचार पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।